नमस्कार, मेरा नाम है विनीता और आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज का हमारा विषय है शुद्ध सात्विक भोजन बनाना। ये हमने बाजार से लाया गया बारीक वाला पोहा, देखिए 400 ग्राम है ये, उसे रख लिया। छन्नी में नहीं रखेंगे क्योंकि उससे मसाले वगैरह निकल जाते हैं। ऐसी छोटी सी परात है, डोंगे में किसी में भी रख लीजिए। अब हम इसे गीला करेंगे। ये चिवड़े को मैं पानी डाल के इसको दो तीन बार ऐसे धोएंगे क्योंकि कई बार स्मेल आ जाती है इसमें। पोहे में डालने के लिए जो घर में फ्रेश हम बनाएंगे, ये प्याज लेंगे करीबन 400 ग्राम के करीबन कच्चा पोहा जो है ना वो मैं बनाऊंगी। और ये इतनी चिली में लेंगे, ग्रीन चिली लेंगे, जो अगर छोटे बच्चों ने खाना वो नहीं खाते तो चिली मत डालिए। प्याज 4-5 प्याज लेंगे और उसे धीरे धीरे बारीक चॉप करेंगे। ये तड़के के लिए चिवड़े में छोंक लगाने के लिए कड़ी पत्ता है, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये बारीक कटी हुई अनियन है। ये देखिए आप, पोया बढ़िया खिल गया है, खिला खिला हो गया। अब इससे मैंने पानी अच्छी तरह इसका निचोड़ लिया। अब इसमें हम स्वाद अनुसार इसमें ही हल्दी मिलाएंगे, जिससे कि ना डार्क रंग आए ना हल्का है। रेड चिली बहुत थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च हमने डाल दी है, तेज हो जाएगी। थोड़ी सी हम शुगर डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, ज्यादा नहीं। और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। इतना तो हम लेडीज को आइडिया होता है कि 400 ग्राम पोहे हैं कितना नमक होना चाहिए। करीबन डेढ़, छोटी वाली डेढ़ दो चम्मच डलेगी। अब इसको हम अच्छी तरह मिला देंगे ऐसे, क्योंकि हल्दी नमक मिर्ची सारे में लग जाए। ये हमने कढ़ाई रखी, थोड़ी सी हल्की सी गर्म हो गई, इसमें ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं होती। दो चम्मच ऑयल डाला, थोड़ा कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और डाल दिया क्योंकि छोटी चम्मच है, बस इतना ही। ये बहुत ही बीमार भी खा सकते हैं, पोहा जो है बहुत ही सात्विक और शुद्ध और बहुत ही हल्का आहार है हमारा। आप देखिए इसको ज्यादा नहीं भूनना है, लाल नहीं करना है, देखो थोड़ी थोड़ी हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें कच्ची मूंगफली ऐड करेंगे, करीबन 2-2.5 चम्मच है। अब इसको हिलाएंगे, मूंगफली किरारी हो जाए जब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। देखिए मूंगफली, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च सब बढ़िया हो गई है, बिल्कुल गुलाबी गुलाबी है अपनी मूंगफली भी हो गई। अब इसमें कटी हुई चॉप्ड अनियन ऐड करेंगे। आप देखिए बस इसको गलाना है हल्का हल्का। अभी थोड़ी सी 1-2 मिनट और लगेंगे, बस हो गई है। अब इसमें हम जो हल्दी नमक मिर्च मिला हुआ पोहा होता है वो मिला देंगे। नमक भी इसी में डाला हुआ है, सब्जियों में दोबारा से डालने की जरूरत नहीं है। ये तो गर्मियों का पोहा है, सर्दियों में हम इसमें मटर, गोभी, गाजर भी ऐड कर सकते हैं। शुरू में प्याज के बाद हम हल्की से गला लेंगे। अभी घर में मेरे पास वेजिटेबल्स नहीं है, ये वाली बस जो सामान था उससे पोहे बना दिया। वैसे एमपी में जो मेन मध्य प्रदेश की डिश है पोहा, उसमें यही चीजें डलती हैं। सब्जियां आपने यहाँ नॉर्थ में डाली जाती हैं, वहाँ के लोग सब्जियां डाल सकते हैं। ये हमारा पोहा सर्विंग के लिए रेडी है। इसमें हरा धनिया डालेंगे जिससे कि खुशबू अच्छी आएगी। ये नींबू मैंने काट के रख दिया है, स्वाद अनुसार हम डाल भी सकते हैं, जिसको नहीं शौक है नहीं डाले, लेकिन हमारे घर में पसंद है लोगों को, इसलिए उसे निचोड़ लेंगे हल्का सा। बस आधा नींबू बहुत है, फिर भी और स्वाद अनुसार डालना चाहे डाल लें। बहुत ही हल्का स्वादिष्ट ये हमारा शीघ्र पाचन होने वाला भोजन है, सभी लोग इसे पसंद करते हैं। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो ना करना भूलें।
विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर स्टोरीज।